स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए विवेक सर MSJS को फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ए टाइगर इन द हाउस। लुक एट द पिक्चर गिवन हियर। व्हाट इज रॉन्ग विद द पिक्चर? Which animals and birds have been encased here? How should one treat pets? Discuss in the class. Should one encase birds and animals for one's pleasure? अब इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है कि अनेक प्रकार के जानवरों को और पक्षियों को पिंजरे में रखा हुआ है। आप यहाँ डॉग्स को देख सकते हैं जो बंधे हुए हैं, रैबिट्स को देख सकते हैं जो कि इनकेस्ड हैं, और आप पैरट देख सकते हैं और दूसरे अदर बर्ड्स को देख सकते हैं जो कि पिंजरे में बंद हैं। वो सभी इनकेस्ड हैं। तो इनकेस का मतलब होता है पिंजरे में बंद करना। तो व्हाट इज रॉन्ग विद द पिक्चर? तो समथिंग विच इज रॉन्ग इन द पिक्चर इज दैट वी कैन नॉट, वी आर नॉट एबल टू, वी हैव नॉट एनी राइट टू इनकेस एनी पेट। अगर हम किसी पालतू जानवर को रखे हुए हैं अपने घर में तो हम उसे अपने फायदे के हिसाब से पिंजरे में नहीं डाल सकते। ये नेचर हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। हम लोग अपने खुशी के लिए अपने जानवरों को पिंजरे में हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनका भी लाइफ है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारे इंडिया में नेशनल लॉकडाउन चल रहा है और उस लॉकडाउन में भी हम लोग जो है सो अपने घर में बंद हैं और दूसरे जानवर जो हैं सो बाहर घूम रहे हैं। तो जरा सोच के देखिए कि जहाँ दूसरे जानवर बाहर घूम रहे हैं और हम लोग घर में बंद हैं तो हम लोग को कैसा फील हो रहा है? हम लोगों को बाहर जाने का मन करता है। हम लोग लॉकडाउन होते हुए भी जो है दो चार कदम बाहर घूम ही आते हैं। हम लोग सरकार की बातें नहीं मान रहे, सरकार को जबरन डंडा चलवाना पड़ रहा है पुलिस के द्वारा। तो जरा सोचिए कि उन जानवरों का भी मन करता होगा, उस चेन से बंधे हुए उस डॉग को भी मन करता होगा कि वो भी घूम के आए, रैबिट्स को, पैरट्स को या दूसरे जानवर को। आप जू जाते होंगे तो जू में वहाँ अनेकों जानवर रहते हैं पिंजरे में, तो उनका भी मन करता होगा कि हम घूमें। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ होता है और वो उसे जीना चाहता है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना है कि हम किसी भी पेट को, हम किसी जानवर को, पालतू जानवर को हम नहीं बांध के रख सकते क्योंकि उनका भी लाइफ है, उनका भी घूमने का मन करता है। तो इस पिक्चर में जो एक चीज़ रॉन्ग है वो ये है कि जो आदमी हमें दिख रहा है इस पिक्चर में, वो अपने खुशी के लिए, वो अपने खुशी के लिए इन सभी जानवरों को, वो इन सभी जानवरों को बंद करके रखा हुआ है जो कि गलत है। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो व्यक्ति हैं खड़े, वो अपने खुशी के लिए इन सभी को, चाहे वो पैरट हो, चाहे वो दूसरे बर्ड्स हों, चाहे वो डॉग हैं, ये हंस हैं, रैबिट्स हैं, तो इन सभी को ये अपने प्लेजर के लिए बंद किया हुआ है। तो ये कहाँ तक सही है स्टूडेंट्स? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पेट पालना, आपको पेट पालना है तो आप उसको खोल के रखिए, आप उसको घर में मूव करने दीजिए, उसको घर में चलने दीजिए, उसके लिए वही अच्छी जिंदगी। अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने। रस्किन बॉन्ड एक बहुत अच्छे ऑथर हैं। ये ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं, यानी ये ब्रिटिश मूल के भारतीय ऑथर हैं, यानी ये ब्रिटिश वासी हैं। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और ये अब नाउ ये इंडिया में आके और इंडियन बच्चों के लिए चिल्ड्रन लिटरेचर पे फोकस कर रहे हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। वो तरह तरह की कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि बच्चे काफ़ी चाव से पढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड इज अ प्रोलिफिक एंड वेल एक्लेम्ड इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट हु हैज़ मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। रस्किन बॉन्ड जो है काफ़ी बहुफलदायक, यानी बहुत ज़्यादा ही उनमें मतलब गुण है और वो तरह तरह की स्टोरीज लिख सकते हैं। उनका जो कॉन्सेप्शन है वो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी वेल एक्लेम्ड हैं और इन्हें सब पहचानते हैं, तो और इनकी सब प्रशंसा भी करते हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं जिनका जन्म ब्रिटिश, जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। राइट नाउ वो अब इंडिया में रह के स्टोरीज लिख रहे हैं। तो इनका नाम याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, रस्किन बॉन्ड। ये आपको अगले 2-3 क्लासों में मिलेंगे। इनकी स्टोरीज जो है सो हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा। आप क्लास 8 में भी पढ़ेंगे इनकी स्टोरीज, आप क्लास 9 में भी पढ़ेंगे, आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे इनकी स्टोरीज। ही वॉज कन्फेयर्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992, द पद्मश्री इन 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014। तो अगर हम बात करें तो इनकी स्टोरीज इतनी सक्सेसफुल रहती है कि तो इनको ढेर सारे अवार्ड से नवाजा गया है। इनको 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 1999 में पद्मश्री मिला और 2014 यानी अभी रिसेंटली ही इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। तो स्टूडेंट्स सोचिए कि ये कितने बड़े ऑथर हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं और कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि बच्चे इसे चाव से पढ़ते हैं।
Most of his works are greatly influenced by life in the foothills of Himalayas, his own experiences and observations. जो ये कहानियाँ लिखते हैं उसमें से कई कहानियों पे जो प्रभाव होता है वो इनका हिमालय के फुटहिल्स यानी हिमालय के निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं या जैसी वहाँ की नेचर है उनसे ये प्रभावित होकर स्टोरीज लिखते हैं। उनको अपने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या क्या देखा, उसको देख के ये स्टोरीज लिखते हैं। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ऑथर्स ग्रैंडफादर एंड हिज न्यू पेट टाइगर। अभी जो स्टोरी है हमारे ऑथर के ग्रैंडफादर की है और उनका एक न्यू पेट है, एक टाइगर, उसके बारे में। यानी इस स्टोरी में जो हमारे ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके दादाजी एक पेट ले आते हैं और वो पेट कोई डॉग नहीं है, वो पेट कोई रैबिट नहीं है, ना वो कोई कैट है, वो एक टाइगर है। स्टूडेंट्स आप चौंक गए होंगे कि रस्किन बॉन्ड के दादाजी टाइगर पाले हैं, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो उसे बचपन में उठा के ले आए होंगे। और बचपन से ही अगर कोई जानवर चाहे वो कितना भी हिंसक क्यों ना हो आपके साथ रह रहा है तो वो सही सही रहता है। Right now we are kicking the story up. The Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Tarai jungle near Dehra. अभी जो टाइगर है उसका नाम है Timothy. तो Timothy एक टाइगर कब है जिसको ग्रैंडपा ने एक हंटिंग एक्सपेडिशन में पाया था, और जो कि जब वो गए थे देहरा के तराई जंगलों में वो गए थे, तो वहाँ उन्हें हंटिंग के दौरान एक हंटिंग अभियान था, शिकार का एक अभियान चल रहा था, तो शिकार के अभियान के दौरान इन्हें ये एक टाइगर का बच्चा, टाइगर का कब मिला था। ग्रैंडफादर वाज नो शिकारी, बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल, ही वाज परसुएडेड टू अकंपनी द पार्टी इन कंजिस्टेड इट कंजिस्टेड ऑफ सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस फ्रॉम दिल्ली टू एडवाइज ऑन द टेरेन एंड द डायरेक्शन द बीचर्स शुड टेक वन once a tiger had been spotted. अब grandfather जो है वो शिकारी नहीं थे, लेकिन वो जंगलों को जो शिवालिक का जो एरिया था, अब हिमालय में तीन प्रकार का रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो शिवालिक जो है वो सबसे निचला हिस्सा होता है हिमालय का, तो अब हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वो वहाँ पे सबसे निचला हिस्सा जो है वो शिवालिक से है, तो शिवालिक हिल्स को grandfather जो है वो बहुत अच्छे से जानते थे, वो चप्पे चप्पे से परिचित थे, वाकिफ थे, इसलिए उनको उन इस एक्सपेडिशन में ले जाया गया था। तो grandfather शिकारी नहीं थे, मैं बता दूं तो grandfather जो है यानी रस्किन बॉन्ड के जो grandfather हैं वो शिकारी नहीं थे, उन्हें सिर्फ शिवालिक की जानकारी अच्छे से थी, उनकी जंगलों की जानकारी थी, इसलिए उन्हें ले जाया गया था उस ग्रुप में। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे और कई लोग तो दिल्ली से थे और जो वहाँ पे आए थे, और साथ में कुछ बीटर्स भी थे जो कि वहाँ पे टाइगर को उन्होंने वहाँ देखा था, तो उस टाइगर का शिकार करने आए थे। मतलब कुछ लोगों को पता चला था कि शिवालिक्स में टाइगर रहते हैं और उस टाइगर को पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए वो लोग वहाँ आए थे। तो ग्रैंडफादर उस ग्रुप में थे लेकिन ग्रैंडफादर शिकार नहीं करते थे। द कैम्प इटसेल्फ वाज सम्प्टस 7 large tents, 1 for each शिकारी, अ डाइनिंग टेंट एंड अ नंबर ऑफ सर्वेंट स्टेंस। द डिनर वॉज वेरी गुड एज grandfather admitted afterwards. It was not often that one saw hot water, plates, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. But that was how things were done in the days of the viceroys. There were also some 15 elephants, 4 of them with howdahs for the shikaris. And the other specially trained for taking part in the beat. अब जैसे कि ग्रैंडपा ने वहाँ एक्सपीडिशन से आने के बाद रस्किन बॉन्ड को बताया था, तो उसके अनुसार ग्रैंडपा जब वहाँ गए शिकार करने गए तराई जंगलों में, शिवालिक रेंजेस में, तो जब वहाँ जाते हैं तो वो बताते हैं क्या कि जो टेंट बना था उनके उस एक्सपीडिशन के लिए, जो ग्रुप था शिकारियों का, उस ग्रुप को वहाँ रखने के लिए बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए गए थे। 7 large tents, 7 बड़े बड़े टेंट थे और हर शिकार के लिए एक टेंट था, जिसमें हमारे दादाजी भी एक थे। एक बड़ा सा डाइनिंग टेंट था और बहुत सारे सर्वेंट के टेंट भी थे। तो यानी ये एक्सपेडिशन इतना बड़ा था, वो लोग शेर का शिकार करने गए थे, वो लोग चीता का शिकार करने गए थे, सॉरी, तो वो इतना बड़ा एक्सपेडिशन था जिसमें 7 शिकारी थे, तो 7 शिकारी के लिए अलग अलग टेंट, एक बड़ा सा टेंट जो है सबके खाना खाने के लिए, उसमें डाइनिंग हॉल जैसा बनाया हुआ था, और ढेर सारे नौकरों के लिए टेंट भी थे उसमें। तो ऐसा जो है सो ग्रैंडफादर ने बाद में बताया था हमारे ऑथर को। अब यहाँ पे हम बताएं वहाँ पे जो डाइनिंग टेबल की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी।
तो डाइनिंग जो जो यहाँ पे जो डाइनिंग टेंट था तो उसमें तरह तरह के जो है सो मतलब पकवान बनते थे, प्लेट्स वहाँ थी, वहाँ हॉट वाटर था, फिंगर ग्लासेस जो आप हाथ से पकड़ के सीप लेते हो जो पीते हो वो ग्लासेस, और 7 और 8 कोर्सेज थे। अब यहाँ पे कोर्सेज क्या होता है, पार्ट्स ऑफ मील होता है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज की बात हो रही है तो लगभग पकवान जो बनते थे वो 7 से 8 पकवान बनते थे। सोचिए कि जो शिकारी थे उनके लिए तो भाई डेली भोज होता था, दावत हो जाती थी डेली। ओके, बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ वॉइस रॉयस। ओके, तो जब वॉइस रॉय का जब समय था, पहले जब राजा महाराजा का समय था, तो जैसे राजा महाराजा जीते थे, जब राजा अपनी छोटी सी सेना के साथ जब जंगलों में जाते थे वहाँ शिकार करने के लिए, तो क्या होता था, जब ज़्यादा लेट हो जाता था तो वहाँ टेंट लगता था। तो जैसे राजा महाराजा के समय में टेंट लगता था, बिल्कुल वैसे ही टेंट्स लगाया गया था। और वहाँ पे लगभग वैसे भी अगर देखें तो 15 या 20 एलिफेंट्स थे उनके साथ, मतलब वो लोग एलिफेंट्स लेके गए थे। और कुछ लोग जो है सो हाउडा, मतलब जो हाउडा होता है मतलब एलिफेंट के ऊपर सीट रखने वाला, तो वो सीट भी लेके गए थे फॉर द शिकारीज के लिए। तो मतलब पूरी ट्रेनिंग करके ये लोग गए थे कि हाँ हमें शेर का शिकार करना है। तो स्पेशली ये लोग गए थे तराई के जंगलों में शेर का शिकार करने के लिए, और इस कदर तैयारी करके गए थे जैसे कोई राजा महाराजा तैयारी करके जाता है, जैसे कोई वाइसराय जो थे जो होते हैं, मतलब 56 भोग, यहाँ पे तो 8 प्रकार का खाना लिखा हुआ है, बट 56 भोग होता था राजा के लिए। और बड़े बड़े 15-20 हाथी, तो यहाँ पर भी 15 हाथी हैं, और हर हाथी पे हावड़ा रखा हुआ है, सीट रखा हुआ है, सब लोग बैठते हैं वहाँ, और एक महावत जो है वो हाथी को चलाता है, और बाकी जो है दूसरे शिकारी शिकार करते हैं। तो यहाँ पे हाथी को ले जाया इसलिए गया क्योंकि हाथी काफ़ी ऊँचा होता है, और हाथी के सीट पर, हाथी के पीठ पर जो है सो शेर पहुँच भी नहीं सकता, तो आराम से शिकारी सेफ रहते हैं और आराम से वो गोली से लेकर शिकार कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल इनकी ट्रेनिंग अच्छी थी और तैयारी भी अच्छी थी, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ अ टाइगर। अब इनके जो खिलाड़ी थे उन्होंने कभी शेर नहीं देखा था, उन्होंने कभी शेर नहीं देखा था, नॉट डिड दे शूट एनीथिंग एल्स दो दे सॉ अ नंबर ऑफ डियर्स पीकॉक एंड वाइल्ड बोर। They were giving up all hope for finding a tiger and were beginning to shoot at jackals when grandfather, strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home after the camp had broken up. He had the distinction of being the only member of the party to have begged any game, dead or alive. अब यहाँ पे जो एक्सपेडिशन में जो पार्टी गई थी, वहाँ जो ग्रुप गया था भाग लेने के लिए, 7-8 लोगों का ग्रुप था, और वो लोग वहाँ शिकार करने गए थे, तो उन लोगों के लिए पूरा तामझाम किया गया था भाई, मतलब खाना और हाथी कि भाई जो करना है करो, बस आप लोग शेर का शिकार करो। तो उसमें जो स्पोर्ट्समैन भाग लिए थे, उसमें जो खिलाड़ी जो शिकार में भाग लिए थे, शिकार करने आए थे, उन सब ने कभी एक टाइगर नहीं देखा था, उन्होंने कभी लाइव अपनी आंखों से एक टाइगर नहीं देखा था, और उन्होंने अभी तक किसी को शूट भी नहीं किया था, यहाँ टाइगर की बात हो रही है। लेकिन जब वो जंगल में जब घूमने लगे हाथी पे बैठ के, तो उन्हें ढेर सारे डियर मिले, पिकॉक मिले, जंगली सुअर मिले, बट किसी को शेर नहीं मिला। सभी ने अपना होप खो दिया, सभी ने अपना आशा खो दिया कि हमें शेर नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिला मतलब शेर, तो उन्होंने जो है जैकल्स को शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब किसी को कुछ नहीं मिला, सब जो है सिर्फ देखे कि हमें शेर मिलने वाला ही नहीं है, या हो सकता है कि यहाँ शेर हो ही नहीं, तब क्या हुआ, हमारे ग्रैंडफादर को एक छोटा सा शेर का बच्चा मिला, छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला, बाघ होता है तो बाघ का बच्चा मिला छोटा सा। तो जो बाघ का बच्चा था वो लगभग 18 इंच का था, और जब ग्रैंडपा जब गुजर रहे थे उस रास्ते से, तो उनका ध्यान पड़ा कि बरगद के जटिल यानी इंट्रिकेट उलझे हुए रूट्स के बीच में वो बाघ का बच्चा जो है, शेर का बच्चा जो है, वो छुप रहा था दादाजी को देख के। अब दादाजी पूरे उस गेम में, जो शिकार का गेम चल रहा था, एक लौते ऐसे इंसान थे जिनको एक मिला था, एक जानवर यानी एक बाघ का बच्चा मिला, भले ही बाघ नहीं मिला, बाघ का बच्चा मिला, एक लौता जो है वो एक लौते ऐसे इंसान थे जिनको बाघ का बच्चा मिला, जिंदा या मुर्दा, इसलिए जिंदा ही मिला। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वाज नेम्ड थिमोटी बाई ग्रैंड मदर वॉज ब्राउट अप इंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाई आवर कुक महमूद। But the milk proved too rich for him, and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. तो ग्रैंडपा जो है उसको अपने घर ले आए, उस टाइगर को अपने घर ले आए उठा के, वहाँ उन्होंने उसका शिकार नहीं किया क्योंकि काफ़ी छोटा था भाई, 18 इंच का बच्चा है शेर का, कौन इसको मारेगा, और वो भी ग्रैंडपा जो थे वो शिकारी थे नहीं।
तो क्यों मारते? ग्रैंडपा ने उस टाइगर को उठाना सही समझा और उसको अपने घर ले आए, उस 18 इंच के टाइगर को, उस टाइगर के बच्चे को। जब टाइगर का बच्चा घर लाया गया तो उसको दादी माँ ने उसका नाम दिया टिमोथी। तो टिमोथी जो है वो ग्रैंड माँ का ही नाम दिया हुआ है। ओके, स्टार्टिंग में ग्रैंड माँ ने उसको बोतल में दूध पिला के बड़ा किया, यानी जब उसका इनिशियल डेज था, जब स्टार्टिंग डेज था उसका, तो शुरुआती दिनों में ग्रैंड माँ ने उसको बोतल में दूध पिलाना उचित समझा। वो दूध पिलाती थी और वो बड़ा होने लगा। फिर जैसे ही वो हल्का बड़ा हुआ तो जो घर में जो कुक था, बावर्ची था, नाम था उसका महमूद, तो महमूद भी जो है उसको मतलब मीट ला के देने लगा खाने के लिए। वो मीट किसका था? पिजन का। ओके, तो पिजन या दूसरे जो छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, जैसे रैबिट्स हो गया, तो पिजन्स रैबिट्स यहाँ दिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, अभी आप देख सकते हैं। तो पिजन्स और रैबिट्स जो है स्ट्रिंग्स, ये सब जो है पहले मिलने लगा खाने के लिए टिमोथी को। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस, टोटो द मंकी हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंब अप द कर्टन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, एंड अ स्मॉल मंगरेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर जो है वो जानवरों को बहुत प्यार करते थे, वो एनिमल लविंग पर्सन थे। तो जब टिमोथी घर लाया गया तो पहले से ही घर में दो जानवर थे, एक टोटो द मंकी और एक मंगरेल पपी। तो मंगरेल एक प्रकार का मिक्स ब्रीड होता है, यानी मतलब एक विशेष प्रकार का, मतलब एक प्रजाति का कुत्ता होता है, और जो टोटो जो है वो एक मंकी था। और टोटो जो मंकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शरारती था। तो जब स्टार्टिंग डेज में जब टिमोथी घर में आया तो वो उसका पूंछ खींचने लगा, और पूंछ खींचता, और जैसे शेर के बच्चे को गुस्सा आता वो सीधे पर्दों पर चढ़ जाता, यानी शेर को चिढ़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। जब देखता है कि टिमोथी खड़ा है, घूम रहा है यहाँ वहाँ, जाता उसके पीछे छुप के और उसकी पूंछ को खींच देता और सीधे आके पर्दे पर चढ़ जाता। तो ऐसा शरारती वो मतलब टोटो द मंकी था। और मंगल पपी भी जो है घर में मौजूद था। तो अब दादाजी जो है जानवरों के शौकीन थे, तो घर में टोटल तीन पेड़ थे, एक हो गया टिमोथी, एक हो गया मंकी जिसका नाम टोटो है, और एक मंगल पपी। तो ये तीन प्रकार के जानवर दादाजी घर में रखते थे। अब सामने यहाँ देखो, यहाँ इमेज दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये रहा हमारा टिमोथी, ये है वो मंगल पपी, और ये रहा टोटो द मंकी। तो ये तीनों जो है दादाजी के घर में रहते थे, और दादाजी इन सबको, अब देखो यहाँ सभी लोग जो है एक दूसरे से खेल रहे हैं। अब तीन अलग अलग प्रकार के जानवर, अगर इन सबको अगर शेर अगर जंगल में देखता तो यही जो टिमोथी जो है, अगर वो बड़ा होता, अगर जंगल में रह रहा होता, तो ये जो है इन सबको अपना फूड बना लेता, खा लेता इसको। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सब साथ में रह रहे थे, और क्योंकि जिस जानवर को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे इलाके में वो रहता है, वो उसी नेचर को अडॉप्ट कर लेता है। हर जानवर के अंदर एडेप्टिबिलिटी रहती है। At first, Timothy appeared to be quite afraid of Puppy and darted back with a spring if it came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. तो शुरुआती दिन में जो हमारा Timothy था वो उस puppy से काफी डरता था। तो जब भी ये पपी उसके पास आता तो शेर जो है वो थोड़ा सा दूर जाता, मतलब वो पीछे जाता। जब डॉग उसके पास जाता, शेर पीछे जाता, और जब डॉग बिल्कुल इसके करीब आ जाता तो शेर उसको अपना पंजा मार के हटाता। ठीक है, उसको डर लगता, वो अपने पंजे से डैश करता, उसको धक्का देता और हटा देता, और उससे अपना एक सेफ डिस्टेंस बना के रखता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और सब में जान पहचान बना, तो शेर के बच्चे ने भी उस पपी को अलाउ कर दिया कि आओ मेरे पीठ पे बैठो और रेस्ट करो। यानी शेर जब लेटा रहता है घर पे, तो डॉग भी आके उसके ऊपर लेट जाता। ऐसे ही दोस्ती हो गई थी सभी जानवरों में, आप देख सकते हैं यहाँ। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉल्क एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. तो टिमोथी का जो टिमोथी का जो फेवरेट amusement था, amusement मतलब आनंद होता है, आनंद उठाना, तो वो ये था कि अगर कोई उसके पास आए, मतलब टिमोथी को एक काम करने में जो सबसे मज़ा आता था वो ये था कि जब कोई भी आदमी उसके पास आए तो जाके उसके शरीर में वो अपना शरीर रगड़ता, उसके पैरों के बीच से निकलता, उसके पैरों को अपने पंजों से खरोचता, थोड़ा सा मुँह खोल के, जैसे होता है ना कि जो पालतू पपी होता है वो कैसे करता है हम लोगों के साथ, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह वो ऐसे करने लगा। और जब हमारे ऑथर साहब अपने दादाजी के घर में रहने आए, तो उन्होंने जब पहली बार जब टिमोथी को देखा, तो टिमोथी उनको पहली बार ही पसंद कर लिया, और वो आके ऑथर के साथ
ये मतलब खेलने लगा, उनके पैर से अपना शरीर रगड़ने लगा और ऐसा एक्टिंग करने लगा जैसे वो उनके एंकल को खा जाएगा. ओके, लेकिन ऐसा नहीं था, वो खेल रहा था. He was by this time the size of full grown retriever, and when I look him, I took him out for walks, people on the road would give us a wide breath, a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there. अब क्योंकि उस समय तक जब तक हमारे ऑथर यहाँ आए थे अपने दादाजी के साथ रहने, उस वक्त तक ये टाइगर जो है वो बड़ा हो गया था और एक फुल ग्रोन रिट्राइवर हो गया था, एक डॉग का साइज का हो गया था जो कि हंटिंग के लिए तैयार था, एक शिकारी की तरह वो रेडी हो गया था. यानी शेर भी अब बड़े हो गए, जो शेर का बच्चा था वो बड़ा हो गया था. तो जब हमारे ऑथर साहब रस्किन बॉन्ड उसको जब घुमाने ले जाते थे बाहर सड़क पे, तो जो लोग थे उस जहाँ जो गार्डन में उसको घुमाने ले आते थे, उस गार्डन में दूसरे लोग भी जो है सो अपने डॉग्स को घुमाने लाते थे, अपने पेट्स को घुमाने लाते थे. तो जब उनका ध्यान पड़ता था रस्किन बॉन्ड पे कि ये शेर को घुमा रहा है, तो सभी जो है एकदम आँख खोल के आँख फड़े हुए सडन होके देखते थे, बिल्कुल स्तब्ध हो जाते थे वो, एकदम डर जाते थे कुछ लोग तो, और कुछ लोग हक्का बक्का हो जाते थे. ऑथर कहते हैं कि जब शेर को घुमाने ये बाहर ले जाते थे तो शेर जो है कभी कभी दौड़ने लगता था, तो फिर इनको काफ़ी दिक्कत होती थी उसका जो जंजीर था या उसका जो बेल्ट था उसको पकड़ने में, तो ऑथर को काफ़ी कस के पकड़ना होता था और तब वो घुमाते थे. ओके, तो थिमोटी की हम बात करें तो थिमोटी का जो सबसे फेवरेट प्लेस था, यानी घर में उसे कहाँ रहने में सबसे ज़्यादा मजा आता था, तो वो घर का ड्राइंग रूम था जहाँ उस शेर को रहना काफ़ी मजा आता था. और ड्राइंग रूम में सोफा लगा था, तो सोफा में वो आके लेट जाता था आराम से और अपने आप को काफ़ी कम्फर्ट फील कराता था. ओके, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नार्लिंग एट एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम अप. ओके, तो ये जो थिमोटी था वो ड्राइंग रूम में सोफे पे जाके लेट जाता था और आराम से वहाँ आराम कर रहा है, कोई उसको रोक टोक नहीं है, वो आराम से सोफे पे लेट के सो रहा है. और जब भी कोई उसको सोफे से उतारना चाहता तो घुर्राने लगता, जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने पेट डॉग के साथ, वैसा ही वो थिमोटी करने लगा था. तो थिमोटी ने ये सब चीज़ कहाँ से सीखा था? उस मंगल पपी से जो कि उस घर में रहता. थिमोटी हैड क्लीन हैबिट्स and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. अब थिमोटी के जो हैबिट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे. वो अपने फेस की साफ़ सफाई करता था जैसे एक बिल्ली हमेशा अपने हाथ से अपने फेस की साफ़ सफाई करती रहती है, बिल्कुल थिमोटी भी अपने फेस की साफ़ सफाई वैसे ही करता था. और वो जो कुक का जो कमरा था, जो बावर्ची का कमरा था, उसी में जाके वो सोता था और हमेशा वहीं रहना उसको पसंद था. और सुबह सुबह वो काफ़ी खुश होकर उठता था. यानी थिमोटी उस बावर्ची को भी उस कुक को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था क्योंकि वो सोता भी उसी के साथ था. वन ऑफ दिस डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड थिमोटी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सपर्ट एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज. ओके, तो वन ऑफ दिस डेज डिक्लेयर ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर. अब दादी माँ उसको बताती थी, ठीक है, दादी माँ उसको बताती थी कि दादी माँ जो है सो रस्किन बॉन्ड को यानी उस हमारे ऑथर को बताती हैं कि जब ये महमूद के कमरे में जब ये सोता था, ठीक है ना, तो महमूद के जो कपड़े थे लाइक उसके कपड़े शूज ये सब चीज़ जो है उसका कोई साइन नहीं मिलता था, ठीक है ना, कोई साइन ही नहीं मिलता था. यानी थिमोटी जब उसके पास सोता, उसके कमरे में सोता, तो उसके चीज़ों को गायब कर लेता, ऐसा होता था. इतना अब वो जो है मस्ती करने वाला हमारा शेर हो गया. Of course, it never came to that, but when Thimoti was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet pekinese. Sometime at night, we would hear frenzied cracklings from the poultry house, and in the morning, there would be feathers lying all over the veranda. So, अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं अब थिमोटी की हैबिट की, तो लगभग 6 मंथ अब उसको हो गए थे घर में लाए हुए, यानी थिमोटी जो है वो अब 6 महीने का हो गया था. तो अब जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, अब वो थोड़ा सा लेस फ्रेंडली हो जा रहा था. यानी अब थोड़ा सा उसका व्यवहार जो है वो फ्रेंडली से लेस फ्रेंडली हो जा रहा था. और जब भी वो गार्डन में घूमने जाता तो दूसरे जानवरों पर अब झपट्टा मारने लगा था, अटैक करने लगा था. वो भी क्यों ना करे भाई, वो जंगली शेर है, अब शेर कोई थोड़ी ना घास खाएगा,
वो तो पैदा ही हुआ है ऐसे कार्य करने के लिए, तो थोड़ा सा टफ होने लगा ऑथर के लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी अब शेर को रखना। और एक बार तो हद हो गया जब रात में उनको अपने पोल्ट्री फार्म से, क्योंकि ग्रैंडपा जो थे उनको मुर्गियां पालने का भी बहुत बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो अटैक कर दिया, जो चिमोटी था वो उस पिंजरे में अटैक कर दिया और सारे मुर्गियों को खा लिया। जब अगले दिन सुबह हुई तो वहाँ पूरे बरांडा पे जो है मुर्गियों के पंख गिरे हुए थे। Timothy had to be chained up for more often, and finally, when he began to stalk Mahmood about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a Jew. The nearest Jew was at Lucknow, 200 miles away. Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. अब क्या हुआ? तो जब Timothy रात को पूरी मुर्गियों को खा गया और अगले दिन सिर्फ बरामदे पे उसके पंख ही मिले, ठीक है, तो दादाजी को लगा कि अब फ्रांसिस जो है ये Timothy बहुत ज़्यादा शरारत करने लगा है। वो अभी भी समझते थे कि Timothy शरारत करता है, तो दादाजी को लगा कि Timothy जो है वो ज़्यादा शरारत करने लगा है, इसने मुर्गियों को खा लिया। लेकिन वो कुछ नहीं बोले जाने कि भाई ये तो जंगली जानवर ही है, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती करने के लिए खा लिया, क्या दिक्कत है, एक दिन खाया है, वो डेली नहीं खाता। लेकिन एक दिन तो हद हो गया। Timothy महमूद के साथ सोता था और एक दिन, क्योंकि जो मतलब Timothy को वो लोग चेन से बांध के रखने लगे, रात को तो चेन से बांध के रखते थे ताकि और मुर्गियों को ना खा जाए, तो एक दिन जो है वो चेन में बंधे Timothy ने महमूद पे भी अटैक कर दिया, जिस महमूद के पास वो Timothy सोता था और उसने अपने जीवन के लगभग 6 मंथ उसी के साथ बिताए थे, उसी के साथ वो रात में सोता था, और उसी महमूद पे, उसी कुक महमूद पे उसने अटैक कर लिया, जो कि ये काफ़ी डराने वाला सीन था। सभी डर गए थे भाई, क्योंकि ये तो महमूद को बहुत प्यार प्यार करता था, तो महमूद को इतना ज़्यादा पसंद करता था, फिर भी वो उस पर अटैक कर दिया। ये देखते हुए दादाजी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब इसको जू में भेजना होगा। नज़दीक का जू लखनऊ में था, जो कि लगभग 100 मील दूर था। दादाजी ने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक किया और एक कंपार्टमेंट में केवल वो और Timothy ही थे और कोई आदमी नहीं था। यानी एक सीट बुक ना करते हुए एक पूरा बोगी ही उन्होंने बुक कर लिया ताकि दूसरे जो यात्री हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जब दादाजी जू पहुंचे तो जू के जो अथॉरिटीज़ थे, जू के जो मालिक थे, वो सब काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उनको एक गिफ्ट के रूप में सिविलाइज्ड टाइगर मिला था। उन्हें ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं था, ये सब कुछ सीखा हुआ था। अब मैं एक बात बता दूं कि टाइगर ने भले ही महमूद पर अटैक किया था, लेकिन उसने कभी दादाजी पर अटैक नहीं किया, क्योंकि दादाजी ही उसे लाए थे और वो दादाजी को पसंद करता था। अबाउट 6 मंथ्स लेटर, When my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the Jew to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dehra. Arriving at the Jew, grandfather made straight for the particular case in which Timothy had been interned. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. अब जब दादाजी ने उस शेर को जब दे दिया जाके जू में, तो जू में देने के 6 महीने के बाद, दादा दादी को मौका मिला लखनऊ जाने का। लखनऊ में उनकी रिश्तेदारी थी तो वहाँ आए थे, तो जब दादाजी को लगा कि एक मौका अच्छा है, मैं जाके Timothy से मिलाता हूँ, वो जू में कैसे रह रहा है, खाना उना खा रहा है कि नहीं, किस हालत में है, तो आफ्टरऑल ये देखें तो दादाजी उस शेर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो जब दादाजी जब जू पहुँचे तो बिना किसी रोक टोक सीधे उस पिंजरे के पास गए जहाँ Timothy को रखा गया था। जब वो गए तो दादाजी जो देखते हैं कि Timothy जो है बड़ा हो गया है, एक कमरे में एक उस पिंजरे के कोने में जाके बैठा हुआ है और काफ़ी बड़ा हो गया है, और उसके शरीर पे अब धारियाँ दिखने लगी हैं जैसे एक शेर की होती है, जैसे एक बाघ की होती है। दादाजी जाते हैं पिंजरे के पास, कहते हैं, हेलो Timothy, सेड ग्रैंडफादर एंड क्लाइंबिंग अप द रेलिंग विद ईज एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। दादाजी जाके पिंजरे के पास खड़े हो जाते हैं और पिंजरे के ऊपर चढ़ते हैं, जो रेलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, और शेर को बोलते हैं हेलो Timothy, और बार के अंदर अपना हाथ, यानी जो पिंजरा रहता है उसमें रॉड रहता है, तो रॉड के अंदर वो हाथ घुसा लेते हैं और Timothy को बुलाते हैं। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स एंड अलाउ ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर एंड व्हेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। अब वो टाइगर जैसे ही दादाजी को देखा, जो टाइगर पिंजरे में था, जिसको दादाजी Timothy बोल रहे हैं, तो वो टाइगर जो है दादाजी के हाथ को देख के उनके पास आया, और जैसे ही टाइगर पास में आया तो दादाजी जो है अपने दोनों हाथ से उसके सर को हिलाने लगे, उसके सर को सहलाने लगे और उसके कान को भी खींचने लगे, ओके, और जब सिर घुर्राया तो दादाजी उसके मुँह पर मार के उसको चुप करवा दिए। और ये दादाजी का पुराना टेक्निक था, जब Timothy उनके साथ रहता था तो ऐसे ही उसको शांत कराते थे। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स and only sprang away when a leopard in the next case snarled at him.
Grandfather sued the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and the tiger would slink back to his corner. अब जब शेर दादाजी के पास आया और शेर को दादाजी उसके सर से सहलाने लगे तो शेर उनके हाथ को चाटने लगा, एक कुत्ते की तरह बिल्कुल शेर जो है एक डॉग की तरह उनके हाथ को लिक करने लगा। और लिक करते समय एक लीपर जो कि बगल के केज में था, बगल के पिंजरे में था, वो आके जब घुर्राया शेर पे तो शेर डर गया और चला गया कोने में। फिर जब दादाजी ने उस लीपर को भगा दिया वहाँ से उसके पिंजरे मतलब उसके पिंजरे में जाकर उसको डराया तो वो जाके साइड में बैठ गया, तो फिर वापस वो शेर आया और दादाजी के हाथ को चाटने लगा। ओके, A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. I am talking to Timothy, said grandfather. Well, weren't you here when I gave him to the Jew 6 months ago? I haven't been here very long, said the surprised keeper. Please continue your conversation, but I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. क्या हुआ कि जब शेर आके हाथ चाटने लगा तो जू में जितने भी लोग देखने आए थे जानवरों को, तो जब देखा कि मतलब उन सब ने देखा कि कैसे एक इंसान जो है वो शेर को छू रहा है और शेर उसके हाथ को चाट रहा है, सभी स्तंभ हो गए। वहाँ देखते देखते भीड़ लग गई और सभी लोग दादाजी को देखने लगे कि कैसे वो शेर को छू रहे हैं और शेर उनके हाथ को चाट रहा है। तो अचानक एक जू का कीपर आ गया, वो काफ़ी डर गया था कि भाई कहीं इसको खाना ले, तो वो आके पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि ये तो मेरा ही टाइगर है, मैंने इसे 6 महीने पहले दिया था, तो शायद तुम नहीं थे क्या उस वक्त जब मैं 6 महीने पहले इसको देने आया था। तो जू का कीपर बोलता है नहीं नहीं मैं अभी मुझे अभी कुछ मतलब मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, ठीक है आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं तो इन शेर को कभी छूने की हिम्मत नहीं करता, ये सब काफ़ी गुस्सैल होते हैं, ठीक है ना। ऐसा बोल के वो जू कीपर हट जाता है। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि कैसे जो है दादाजी अपना हाथ डाल रहे हैं और शेर उनके हाथ को चाट रहा है और ये सभी जो है स्तब्ध होकर देख रहे हैं। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps threatening him. I'll go and see the superintendent about it. Grandfather went in search of the superintendent of the Jew, but found that he had gone home early. And so after wandering about the Jew for a little while, he returned to Timothy's case to say goodbye. It was beginning to get dark. Up. जब दादाजी को जब उस जू कीपर ने कहा ठीक है आप अपना काम कीजिए मैं चलता हूँ, बट मैं कभी शेर को ऐसे नहीं छूता क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ये सब काफ़ी गुस्से मिजाजी होते हैं, ये सब काफ़ी तुनिक मिजाजी होते हैं। तो दादाजी जो हैं सो उसको बोलते हैं कि तुम इस शेर को मेरे शेर को यहाँ से हटा क्यों नहीं देते, क्योंकि वो जो लीपर जो है इसको डरा रहा है। तो ठीक है मैं जाता हूँ तुम्हारे सुपरिटेंडेंट से बात करता हूँ। तो दादाजी जाते हैं सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए, लेकिन जब उनको पता चलता है कि सुपरिटेंडेंट आज घर जल्दी चला गया है तो दादाजी फिर से आ जाते हैं पिंजरे के पास और सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब पिंजरे के पास थोड़ा देर खड़ा हो जाता हूँ और शाम तो होने वाली है ही और मैं थिमोटी को गुड बाय कह के अपने घर चला जाऊँगा। ही हैड बीन स्ट्रॉकिंग एंड स्लैपिंग थिमोटी फॉर अबाउट 5 मिनट्स व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन थिमोटी हैड फर्स्ट कम टू द जू। अब क्योंकि दादाजी को अब 5 मिनट हो गए थे, हम दादाजी जो है सो सेठ को मतलब सहला रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे, तो दादाजी देखते हैं कि एक जू कीपर उन्हें देख रहा है। तो जब दादाजी उस जू कीपर को देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि अरे हाँ ये तो वही जू कीपर है जब मैं शेर को देने आया था तो ये यहाँ था। ओके, तो वो जू कीपर भी इनको पहचान लेता है। यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर थिमोटी टू अनदर केज अवे फ्रॉम द स्टूपिड लीपर। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर। आई नो द सेड ग्रैंडफादर टेस्टली। I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. I remember your tiger very well, sir, said the keeper. He died 2 months ago. Died? Exclaimed grandfather. Yes, sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. अब क्या हुआ? तो जब दादाजी ने देखा उस जू कीपर को तो दादाजी उनको पहचान गए और बोलते हैं अरे तो क्या तुम मुझे याद हो, यानी क्या तुम मुझे रिमेंबर करते हो, मीन्स वो कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं यहाँ आया था जब इस शेर को डालने के लिए इस पिंजरे में तो तुम यहाँ थे, ठीक है ना, और तो तुम थोड़ा सा इसको हटा क्यों नहीं देते यहाँ से, क्योंकि ये जो लीपर है ये इसे परेशान कर रहा है। तो जो वो जू कीपर रहता है वो कहता है हाँ सर मैं आपको जानता हूँ, बट ये टाइगर जो है वो आपका टाइगर नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे पता है कि अभी टाइगर मेरा टाइगर नहीं रहा, मैंने अब आप लोगों को दे दिया है तो ये टाइगर आप लोगों का हो गया।
लेकिन कोई सजेशन तो ले ही सकते हो ना, इसको इस पिंजरे से हटा के किसी दूसरे पिंजरे में डाल दो, क्योंकि इसको लीपर डरा रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है ना। तो ज़ूकीपर कहता है, सर मुझे आपका टाइगर अच्छे से याद है, आपका टाइगर जो है अब जिंदा नहीं है, वो तो 2 महीने पहले ही मर गया। तो दादाजी कहते हैं मर गया? अब दादाजी का हाथ जो है अभी भी पिंजरे के अंदर है, शेर को सहला रहे हैं और कह रहे हैं शेर मर गया मेरा, ठीक है। तो ज़ूकीपर कहता है हाँ सर 2 महीना पहले मर गया। तो फिर तो ग्रैंडफादर पूछते हैं भाई कैसे, मतलब कैसे मरा? तो वो कहता है सर उनको न्यूमोनिया हो गया था और वो मर गया है 2 महीना पहले, और जिस शेर को आप दुलार कर रहे हैं वो शेर जो है वो लास्ट महीने ही, अभी अंतिम महीने ही उसे लाया गया है जंगलों से, हिल से लाया गया है उसे, और ये काफ़ी डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से दैट द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिस। ग्रैंडफादर टुक वॉट सीम टू हिम एंड एज टू विदड्रॉ his hand from the cage. With his face near the tiger, he murmured goodbye Timothy and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. तो अब यहाँ पे देखिए कि जो दादाजी, जब उनको पता लग गया कि उनका टिमोथी मर गया और 2 महीने पहले, और ये टाइगर जो है एक जंगली टाइगर है और वो उसे इंतजार कर रहे थे, तो दादाजी स्तब्ध हो गए और उन्होंने शेर के, वो शेर के पास अपना मुंह लाए और गुड बाय टिमोथी बोल के वो वहाँ से चल दिए। उन्होंने ज़ू कीपर को एक स्कॉर्नफुल लुक दिया, एक उसकी तरफ एक थोड़ा सा सरसरी निगाह दी और उसकी तरफ आँख की पलकें झपकाईं और वहाँ से वो निकल गए। तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि जो टाइगर उनका था वो टाइगर मर गया था और एक जंगली टाइगर को प्यार कर रहे थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हर जानवर को अगर हम सही से ट्रीट करें, अगर हम उसे तंग ना करें तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर आप जानवरों को तंग ना करें तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हाँ, एक जानवर को देख के, ये तो दादाजी थे इसलिए शेर को छू लिए, शेर उनको कुछ नहीं किया, बट अगर आप लोग हैं तो कतई शेर को छूने की कोशिश ना करें क्योंकि शेर डेंजरस होते हैं। तो इस कहानी में तो ग्रैंडपा जो थे वो जानवरों को प्यार करते थे और शायद जानवर भी उनकी भाषा को समझते थे, बट हो सकता है कि आपकी भाषा को जानवर न समझे, इसलिए जानवरों से दूर रहें, लेकिन यथासंभव कोशिश करें कि जानवरों को प्यार करें। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर फिनिश है। आप लोगों को इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड जल्द ही किए जाएंगे।